साथियों, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर मैंने लाल किले से भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी और सबका प्रयास के बारे में विस्तार से बात की थी। आज 21वीं सदी में हर भारतवासी के सपने और उसकी आकांक्षाएं असीम है। इनकी पूर्ति में लोकतंत्र के एक स्तंभ के तौर पर हमारी सशक्त और संवेदनशील जुडिशरी की भूमिका भी उतनी ही अहम है। देश के संविधान की भी हम सभी से ये निरंतर अपेक्षा है कि हम समाज के लिए एक वाइब्रेंट, स्ट्रांग और आधुनिक लीगल सिस्टम बनाए। एस्पिरेशनल इंडिया इसके सपनों को पूरा करने के लिए ये जिम्मेदारी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों ही अंगों की है। हम कैसे मिलकर काम कर रहे हैं इसका एक उदाहरण पुराने और अनुपयोगी कानूनों को निरस्त करना भी है। आज यहां कई कानूनी दिग्गज मौजूद हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहां के कई कानूनी प्रावधान ब्रिटिश काल से चले आ रहे हैं। कई ऐसे कानून हैं जो अब पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके हैं। सरकार के स्तर पर हम इनकी निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। हमने ऐसे 2000 केंद्रीय कानूनों की पहचान कर उनको खत्म कर दिया और जो अप्रचलित और निरर्थक हो गए थे, कालबाह्य हो गए थे, हमने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को भी समाप्त किया है। व्यापार के दौरान होने वाली अनेक छोटी गलतियों को भी हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। इस सोच और अप्रोच ने देश की अदालतों में केसेस की संख्या को भी कम करने में अहम भूमिका निभाई है।